खबर रीवा जिले से है, जहां आज के जनपद पंचायत की बैठक में जनपद अध्यक्ष जनपद सदस्यों के सवालों के घेरे में देखी गई। पहली बात तो यह है कि एक साल से भी ज्यादा समय बीतने के बाद बैठक में वास्तविक जनपद अध्यक्ष संगीता यादव कुछ बोलती हुई दिखाई दी। हालांकि बैठक में पंचायत सीईओ ज्यादा बोले और अध्यक्ष कम, ऐसा लग रहा था कि जनपद अध्यक्ष सीईओ ही हो। खैर, अभी तक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अध्यक्ष के पति राजेश यादव बैठक में शामिल होते थे, ऐसा आरोप लगाया जाता रहा है और कई बार मीडिया के कैमरे में भी कैद हुए हैं। लेकिन सदस्यों के विरोध के बाद जब जनपद पंचायत कार्यालय में बैठक आयोजित हुई तो जनपद अध्यक्ष संगीता यादव सवालों के जवाब में देने में घबरा रही थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी। आपको बता दें कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के तथा कथित पूर्व विधायक प्रतिनिधि राजेश यादव की पत्नी संगीता यादव जनपद अध्यक्ष जिनके द्वारा कभी बैठक में शामिल नहीं हुआ गया, आज जब कार्यक्रम कवरेज करने पहुंचे मीडिया वाले तो उन्हें भी पहले तो रोका गया, उसके बाद बाइक लेते समय लाइट बंद कर दी गई या फिर चली गई, भगवान जाने। लेकिन जिस तरह से बत्ती गुल हुई, ऐसा लग रहा था कि जनपद अध्यक्ष को जवाब देने में तारे नजर आ रहे हैं। आपको सुनाते हैं किस तरह से जनपद सदस्यों ने जनपद अध्यक्ष को के सवालों के घेरे में लिया गया और उनका बचाव करते दिखे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त सीईओ। उसके बाद सुनिए किस तरह से जनपद सदस्यों ने मांगों को लेकर क्या कहा है और कैसे विरोध किया है। और उस पंचायत में कार्य को कौन देख रहा है? ये इल्म हो सकता है, इसमें मैं भी एग्री हूँ कि जनपद के द्वारा दिया गया काम और आपको नहीं मालूम हुआ। कई बार ऐसा हुआ, पहले भी ऐसा होता रहा है कि भाई पंचायतों का 10% काट कर ही है, तो आपके प्रतिवेदन के अनुसार ही देना है। तो किसकी राशि है भाई? ग्राम पंचायतों की। तो अनुमोदन कौन करेगा? अनुमोदन जनपद से होगा। स्वीकृति कौन देगा? स्वीकृति जनपद देगी। तो जनपद के सदस्य देंगे कि सीईओ साहब? भाई अध्यक्ष अध्यक्ष और सीईओ नहीं देते। स्वीकृति स्वीकृति जनपद अध्यक्ष और सचिव ही देता है। मगर सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, आपकी जरूरत है तो आप कहोगे कि मुझको 10 लाख का दो, तो मैं कहाँ से दूंगा? मेरे कहने तो मेरे, आप देंगे। भाई देखो, हमारे पास प्रस्ताव आए, अगर ग्राम में जाए तो हमारे मत तो कम से कम जाए, जहाँ देना वही दीजिए। और ये जो जनपद सदस्य ये सब लड़के आए तो कम से कम इनका अनुमोदन ले लीजिए। ग्राम पंचायत की ये इल्म हो सकता है, इसमें मैं भी एग्री हूँ कि जनपद के द्वारा दिया गया काम और आपको नहीं मालूम हुआ। कई बार ऐसा हुआ, पहले दिया जा सकता नहीं, दिया जा सकता मैंने कहा था। क्यों? अरे मैंने कहा था कि नहीं कहा था, इसलिए नहीं दिया जा सकता कि ये जनपद सदस्य की राशि नहीं है। ये जनपद सदस्य की राशि नहीं है, ग्राम पंचायतों का 10% काट कर ही है, तो आपके प्रतिवेदन के अनुसार ही देना है। तो किसकी राशि है भाई? ग्राम पंचायतों की। तो अनुमोदन कौन करेगा? अनुमोदन जनपद से होगा। स्वीकृति कौन देगा? स्वीकृति जनपद देगी। तो जनपद के सदस्य देंगे कि सीईओ साहब? भाई अध्यक्ष क्या की काम रिपोर्ट है, मतलब जून अपना अध्ययन चल रही है। हां, कार्यकारिणी ने कुछ जानकारी हमसे चाही है, जांच वही कर रहे हैं। उनको जांच 2 साल लागे थे, फिर जांच भाई आती सरोज साहू जी यहाँ पर कमीशन लेके पैसे बांटे जाते हैं, इस कारण विरोध नहीं कर रहे। एक्चुअली क्या है कि अभी हमारे महिला बाल विकास समिति के अध्यक्ष श्री विकास चतुर्वेदी जी, उन्होंने विभाग से पूछा तो एक जनपद सदस्य हैं श्रवण जी, उनको आपत्ति थी कि आप सीधे विभाग से क्यों पूछते, जबकि सामान्य स्वभाव में सभी विभाग इसलिए उपस्थित होते हैं कि उनसे हम विकास की चर्चा कर सकें।
तो इस तरह के बातों पर गुटबाजी करना ये उचित नहीं है भाई। विभाग के हम सभी विभाग के कर्मचारी आए हैं, हम स्वयं सबके बदले में जवाब देते हैं, तो ऐसी बात तो नहीं है। सर ये सारे सदस्यों में से 22 सदस्य विरोध में जा रहे हैं, तो ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई है अभी तक? नहीं, सारे नहीं जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, और किसी बात विशेष में आपसी सहमति है उनकी कि विभाग से ना पूछे इस बात को लेकर, वो बाहर चले गए हैं, और बाकी असहमति है ऐसा नहीं है कुछ। असहमति होती तो क्यों आते वो लोग? पूरी चर्चा होने के बाद, पूरी चर्चा होने के बाद कोई अगर चला गया तो ये असहमति थोड़ी कहलाई। उन्होंने कहा है कि बैठक का बहिष्कार है कि जो विकास चतुर्वेदी नाम भाई अभी तक जी का सवाल, उनके जो सवाल का है तो वो विकास जी दे रहे थे उनका, उन सवालों का जवाब नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वो विभाग से चर्चा कर रहे थे, स्वास्थ्य विभाग से उन्होंने चर्चा की। अध्यक्ष जी को देना चाहिए तो वो नहीं जवाब विभाग देगा ना, जैसे हमसे कोई पूछेगा ग्रामीण विकास विभाग के बारे तो हम ना जवाब देंगे, अध्यक्ष जी कैसे जवाब दे सकती है? आप बताइए ना, विभागों की जानकारी मैं दूंगा कि अध्यक्ष जी देंगे? हमारे ये जो कर्मचारी थे तो सवाल पूछने की वजह से नाराज हो के चले गए, सवाल पूछने का सभी सदस्यों को पूरा अधिकार है। उनका ये कहना है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है, केवल वो अपने मनमाना कर रही हैं, उनके पति पूरा काम करते हैं, ऐसा कुछ? जी नहीं, पति नहीं करते, हम ही करते हैं। कुछ राशि सदस्यों को दी गई है, जिनको नहीं दी गई है तो दी जाएगी। अभी तक की बैठक में वही उपस्थित होते थे, आज बस नहीं आए, नहीं तो पहले वही पूरी बैठक देखते थे, उनका ऐसा आरोप है? जी नहीं, वो नहीं बैठते थे, हम ही बैठते थे। ये स्थिति कैसे हो गई, ये स्थिति कैसे हो गई कि 22 सदस्य पहुंचते हैं असामयिक इस्तीफा की मांग करते हैं कमिश्नर कलेक्टर से, आखिर क्या विरोध है उनका आपसे? ऐसा कुछ नहीं है, विरोध तो है तभी तो लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय भी गए थे, कमिश्नर भी गए थे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी बहिष्कार कर दिया बैठक का, ऐसा क्यों, क्या वजह है? वजह यही है कि कर्मचारी सबसे सदस्य हमारे सवाल पूछने लगे कि इस क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, इसके कारण कुछ सदस्य हमारे नाम। कौन कर्मचारी किस सदस्य से पूछ रहे हैं? जैसे कि इंजीनियर थे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे। ये आरोप है कि आपने कमीशन लेके आपके ऊपर और सीओ साहब के ऊपर भी ये आरोप लगाया जा रहा है? जी नहीं, कि कमीशन लेके आप राशि आवंटित कर रहे हैं? जी नहीं, ये सब गलत है, हमने किसी से कमीशन नहीं लिया है। तो फिर विकास कार्य के लिए राशि उनको आवंटित क्यों नहीं करवाई जा रही, क्योंकि मत तो है फिर भी राशि आवंटित नहीं की गई, उनका ये कहना है? कुछ सदस्यों को दिया गया है, कुछ रह गए हैं, जो तो इस बार राशि दो या तीन को, दो या तीन इस बार जो राशि आएगी तो सभी को प्रदान किया जाएगा। अभी कितने लोगों के लिए? एक साल बीतने को आया, कैसे चलेगा विकास, कैसे होगा विकास? 8 से 10 सदस्यों को राशि प्रदान की गई। 25 तो सदस्य हैं, जिसमें 22 लोगों को विरोध में, आपके विरोध में आप लोगों को सिर्फ 3 बसते हैं, सिर्फ 3 को दिया गया है, क्या राशि नहीं है? 4 तो अभी बैठे हैं, अभी उपाध्यक्ष जी, अभी उपाध्यक्ष नहीं है, 4-5 लोग नहीं, 3-4 सभापति नहीं, कुछ लोग नहीं आए हैं। ठीक, जनपद का, जनपद सदस्यों का, उनका बस काम है, बस हो गया। कोई राशि आती है तो कभी बताई नहीं जाती, यहाँ बोल देते हैं कि बताया गया है सभी पंचायतों वालों को, लेकिन कभी बोला बताया नहीं गया है कि राशि तुम्हारे पंचायत में गई है। आज हम लोगों को बैठक यहाँ बुलाई गई थी, हम लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा, उसमें कार्यवाही में मेरी कार्यवाही नहीं लिखी गई। 2023-24 में जो बजट बांटा है किसी के अनुमति से बगैर बांट दिया है, और हम लोग प्रस्ताव में लिखवा रहे थे तो बोले तो आपके नाम से प्रस्ताव नहीं लिखा जाएगा, इसलिए हम लोग कार्यवाही को बहिष्कृत करके चले आए। आज कितने सदस्य उपस्थित थे? 17 सदस्य उपस्थित थे, 17 लोगों को समर्थित थे, सब साथ में हमारे थे। विरोध अभी कितने लोगों ने किया? 2 लोगों ने किया, 2 लोगों ने किया विरोध नहीं किया, उनने दस्तखत किया है, 3 लोगों ने, नीरज मिश्रा और विकास और लाल मन्नत, बाकी हम लोग बाकी सब विरोध। अभी कुछ पैसे, अभी कुछ राशि आवंटित हुई थी तो किसको हुई थी? नीरज मिश्रा और विकास मिश्रा जी ने दस्तखत किया, हम लोगों ने इसलिए उपस्थिति में दस्तखत कराने के बाद ये कार्यवाही अपने हाथ से करते हैं, इसलिए हमने कहा कि हमारा प्रस्ताव लिखा है तब हम लोग दर्ज करेंगे, लेकिन लोगों ने हमारा नहीं करेंगे, प्रस्ताव नहीं लिखा। अभी ये कमीशन के तौर पे कुछ लोग को राशि, कमीशन टोटल जब वही सब जनपद सदस्यों ने बताया, इन उसको सरपंचों के पास गए, पता लगाया,
इसीलिए 2023-24 से कोई अनुमोदन नहीं हुआ, इन्हें राशि बांट दी, हमने कहा कि उसको हमको हम लोग बैठक को बहिष्कृत कर दिया, परमानेंट बहिष्कृत कर रहे हैं, अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो हम लोग इस्तीफा सामूहिक देंगे। क्या अभी यहाँ क्या विवाद स्थिति यहाँ? मैडम कुछ बात ही नहीं करती, जो बोलते सीओ सर बोलते, मैडम बोल रही है कि मैं 25 बार में पैसा नहीं दे सकती हूँ। एक साल से हो गए, मार्च में मीटिंग हुई थी, मैडम ने ये कहा था कि सब जगह नल पानी की व्यवस्था कराएंगे, मैडम ने कुछ भी व्यवस्था नहीं कराई है, एक भी काम नहीं हुआ, कुछ भी कोई भी काम नहीं किया जाता यहाँ पर। अभी कार्रवाई रजिस्टर नहीं सुनती, मैडम के पास फोन लगा तो मैडम बोलती है कि आप भैया से बात करिए, हम लोग भैया से क्या बात, भैया को थोड़ी ना जिताए हैं, तो आपको जिताए हैं, अभी तक वही करते थे सब, वही सब करते थे, भैया को नहीं आए हैं हम मैडम से, मैडम कहती है हम कुछ नहीं जानते, वो क्या है क्यों नहीं जानती है, अध्यक्ष उनको बनाया गया था कि लेडीजों की बात सुनेंगी रखेंगी, उनसे यही कह के वोट दिया गया था उनको कि आप हम लोगों की बात रखिए रखेंगी, आप लोग अंदर अपनी बात रख रही हैं, हम लोग की बात कुछ नहीं सुनी जा रही है, अपनी बात सुनते हैं, अपनी बात करते हैं, बोला लिखने के लिए तो मना कर दिए, बोली नहीं लिख पाए। मेरा नाम रूपा सीपी सिंह है, बड़ कमांड यहाँ वही सब यही बताते हैं, मैडम बोल नहीं रही हैं और कार्रवाई रजिस्टर में बोल रहे हैं कि अपना जो भी है तो बोल रहे हैं ये नहीं लिखा जाएगा। इसके पहले जो बैठक होती थी उसमें कौन बैठक में शामिल होता था? उनके पति बैठते थे, जो करते थे उनके पति करते थे, वो लेडीज नहीं करती थी, इसलिए वो बोल रही है, नहीं बोल पा रही है, नहीं बोल रही है, बैठती नहीं है, उनके जगह पे दूसरे बोल रहे हैं, जिस पंचायत ने पैसा गया हुआ उनका पार लेते हैं, हम लोग उनके पंचायत ने गया पैसा तो लेकिन पता नहीं है, कमीशन लेके दिए तो हम लोगों को पता ही नहीं है, अब हम लोग कहाँ से काम करा दे, पैसा ही नहीं, हम लोग के बाद में तो पैसा ही नहीं है, काम करवाने के लिए बाद नहीं पैसा ही नहीं दे सकते। कितने सदस्य हैं यहाँ? 25 सदस्य हैं, तो चाहे 1 पैसा आए चाहे 50 पैसा आए, सभी पंचायतों में न जाना चाहिए, 25 सर पूरे लोग विरोध में, धीरज निगरा और विकास चतुर्वेदी।